हाय हाय हाय, माय नेम इज तन्वी मल्हारा और हम कुछ ही मिनटों में गोपाल को बुलाएंगे। दिस इज हॉबी डूबी डू प्रेजेंट्स, हमेशा की तरह सम लाइव आर्टिस्ट। ये हमारा 33rd सेशन है लाइव एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव गोपाल विथ मी। तो ही इज़ अ सिंगर, लिरिसिस्ट एंड अ कंपोजर जो जलगांव के हैं, और उन्होंने बहुत मतलब बचपन से ही इज बिन सिंगिंग, और अभी तो उन्होंने 2020 में ही इज डन सम फैबुलस वर्क विच वॉज ही वन द 50 आवर्स चैलेंज, म्यूजिक मेकिंग चैलेंज इन इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही बिग डील है। वी गोना नो मोर अबाउट इट, लेकिन आई एम जस्ट गोना वेट फॉर हिम टू ज्वाइन। बट तब तक के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल टू ऑलवेज बी हियर विद अस। 2020 has been very, very different and very, very, how do you say it? It's been very inspirational for some. It's been very heartbreaking for some. It's been life-changing for some. Lekin I think ye saal jo humne seekha hai, wo ye hai ki you don't need any special occasion to be in contact or to be in touch or to have people with great talent. आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हॉबी डूबी डू का मेन पर्पस और मेन गोल यही है कि वो अलग अलग आर्टिस्ट को, अलग अलग बेसिकली आर्टिस्ट को, टैलेंट को शोकेस कर पाए, ताकि हम जैसे लोग इंस्पायर हो पाए टू बिकम लाइक देम, टू बिकम बेटर एवरी डे। एंड या दैट्स द होल पर्पस ऑफ हॉबी डूबी डू, एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ होस्ट टुडे। वैसे तो मैंने 30 सेशंस में से आई थिंक एक सेशन किया होगा होस्ट, बट दिस इज माई सेकेंड वन। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं गोपाल को इंटरव्यू करने वाली नहीं हूँ, आई एम गोना इंटरेक्ट विद देम। आई एम होपफुली ही इज गोना सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, एंड आई एम सो हैप्पी कि लोग ज्वाइन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाय मयूर, हाय, हाउ आर यू ऑल? अगर आपको हॉबी डूबी डू से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, या आप चाहते हो कि ये आर्टिस्ट को हम नेक्स्ट बुलाएं, तो वो भी आप नाम लिख सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू हॉबी डूबी डू, थैंक यू सो मच सूरज, दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू ऑल ऑफ अस। तो हॉबी डूबी डू इज इन कोऑपरेशन विद पारस पापड़ एंड नवरंग चाय, बोथ ऑफ दीज ब्रांड्स जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट्स है। My Benny is also here. Benny is a pet dog. She is going to be excited for some time, but then she will be fine also. I'm waiting for Gopal to come. But Gopal, if you're here, if you can see me, can you send us a request so that we can accept you and we can, you know, have you live? क्योंकि मैं तो बहुत बातें कर सकती हूँ, बट आई वुड वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट योर स्टोरी एंड अबाउट योर लाइफ एंड लिसन टू यू सिंग, बिकॉज हम सब लोग बरकरार है टू जस्ट लाइक see you watch, I mean see you live singing. मैंने गोपाल, I met him last year in 2020, I think he'd come home, और तब गोपाल से, तब मैंने गोपाल सर से, गोपाल सर बोलो कि गोपाल बोलो, I'm very excited and I'm very confused. हाँ, so I'm very confused, basically I call him गोपाल. So मैं गोपाल से मिली थी 2020 में, और he'd come home, और वो आई थिंक जस्ट जीते थे और उनके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ रहे थे, और मेरे पापा ने मुझे बोला था, अरे जलगांव का लड़का है, यू नो इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट में उसे ये, यू नो ही इज़ वन इट एंड ही इज़ फ्रॉम जलगांव। आई वाज सो एक्साइटेड। तो वो हमारे यहाँ पर आए थे, आई रिमेंबर 4 o'clock था, एंड ही सैंग ऑल्सो, एंड मैंने जिस दिन उन्हें सिंगिंग करते हुए सुना, लाइक ओ माई गॉड, ही इज सुपर टैलेंटेड एंड ही इज सुपर सुपर अमेजिंग। तो या वेरी वेरी गोपाल, रिक्वेस्ट सेंड करो आप। ओके गोपाल, कैन यू सेंड अस अ रिक्वेस्ट, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर आप दिख नहीं रहे हो। गोपाल, इफ यू आर लाइव, कैन यू सेंड अस अ रिक्वेस्ट हियर सो दैट वी कैन इनवाइट यू इन। तब तक के लिए हाय मीनल, हाय। आपको सबसे अच्छा लाइव सेशन कौन सा लगा? फॉर मी पर्सनली आई थिंक मेरे को सभी अच्छे लगे, बट आई थिंक एक सेशन में आई थिंक मेरी मम्मा या पापा ने गाना गाया था, विच वॉज माई पर्सनल फेवरेट, तो आई थिंक दैट वॉज अमेजिंग। हाय रोजल, हाय। गोपाल ठाकरे इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, हर अच्छा काम होने से पहले थोड़ा दिक्कत आता ही है। गोपाल व्हाट्स हैपनिंग? ओके गणपति पापा जी, प्लीज ऐसा मत करो, फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। हाय भूषण कुलकर्णी, हाय मीनल,
और गणपति उत्सव चल रहा है, आई कांट सी योर रिक्वेस्ट. गोपाल जी बोल रहे हैं ही कांट सी आर रिक्वेस्ट. कैन यू सेंड अस योर, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सो दैट वी कैन एक्सेप्ट यू इन. कैन यू सेंड अस अ रिक्वेस्ट. हाँ गोपाल ठाकरे, वन सेकेंड एड. क्या आप आ गए हो? आई एम रियली रियली होपिंग. एडिंग इट, एडिंग इट, कनेक्टिंग. वूहू, यू हियर? हाय गोपाल. हेलो, कैन यू हियर मी? यस, कैन यू बी अ लिटिल लाउड? डोर, गिव मी अ मिनट. अब आपकी आवाज आ रही है. हाय बोलो. ओके हेलो. हाय गोपाल. ओ माय गॉड, देयर इज अ मॉस्किटो कनेक्टिंग विद योर फोन, जस्ट मिनट. नो प्रॉब्लम. सो सॉरी. नो प्रॉब्लम. इंटरनेट इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी रिलायबल. ओके, कैन यू ऐड हिम वंस अगेन? क्या हुआ, कैंसिल? वापस ऐड करें हम? ओके, देयर फ्रेंड्स वोंट बी एबल टू वॉच दिस अनलेस दे आर इन द सिलेक्टेड ऐड. हे भगवान, गणपति बप्पा मोरिया. ओ ग्रेट, अरे गोपाल जी हियर. थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है ये जब तक लाइव में कनेक्ट नहीं हो जाते. आई गेट इट. एक बार कनेक्ट हो जाए ना तो फिर कोई नहीं, बट हो गया. अब इट्स परफेक्ट, अब इट्स परफेक्ट. Gopal, why are you doing this to me? Okay, I think bring them on camera. Gopal, agar tumne abhi decline kiya na, I'm gonna come to Bombay and I'm gonna yeah. Okay. Sorted, sorted, sorted. Ye nahi, nahi ye. Iska man nahi hai. Abhi you have to, yes, don't do. Yeah. Aisi aapki awaaz aa rahi hai. I tried with my laptop, but shayad pata nahi uska bhi man nahi hai. Phone is best. So phone yeah, sorted, best sorted now. For sure. Hello, hi, Tanvi. Gopal, kaise ho? Okay, after long time, bahut dekh ke aapko. After a year. आपको देख के अच्छा लग रहा है अभी बहुत दिनों बाद. मुझे भी आपकी आवाज सुन के बेटर लगेगा, आई एम श्योर. हेलो, आवाज आ रही है आपको? अच्छा मुझे आ रही है. अच्छा आवाज मीन्स गाने के थ्रू? जी जी. यस. ओके, एक ही चीज मैं लाइव में कर सकता हूं. कैन वी स्टार्ट इट? कैन वी स्टार्ट विद आवर इंटरेक्शन? क्या हम शुरू कर सकते हैं? तो टू एवरीवन वाचिंग, अभी जो हमें देख रहे हैं, वेलकम टू हॉबी डूबी डू. ये हमारा 33rd लाइव सेशन है और हॉबी डूबी डू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, टैलेंट को इनवाइट करते हैं और आप सभी लोगों के सामने दर्शाते हैं. इसका मेन एजेंडा या मेन पर्पस यही है कि हमारे जो भी आर्टिस्ट है उन्हें रिकॉग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले और हम उसके साथ साथ जो नॉर्मल ऑडियंस है वो इंस्पायर होते रहे. बिकॉज एक आर्टिस्ट के वजह से ही आई थिंक द वर्ल्ड इज हैप्पी. अगर आर्ट नहीं है तो आई थिंक नोबडी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ. सो हमारे साथ आज है गोपाल ठाकरे. ही इज फ्रॉम जलगांव, आर वेरी ओन टाउन, खानदेश के हैं वो. और ही इज बीन सिंगिंग सिंस द एज ऑफ आई थिंक ही वाज 10. अब 10 साल के थे शायद, अब 6 साल में थे आई थिंक व्हेन यू स्टार्टेड सिंगिंग. हां, 6 7 स्टैंडर्ड. यस, हां. तो 10 या 11 साल के थे जब से ये सिंगिंग शुरू कर दिया इन्होंने और अब ये जीत चुके हैं द इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट का द 50 आवर म्यूजिक मेकिंग चैलेंज, जो कि एक बहुत ही बिग डील है. और ये कितनी बिग डील है आई एम गोना आस्क हिम, बट उससे पहले गोपाल हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ. जो करने आया था वो कर रहा हूँ. फॉर श्योर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आई गेस कि जो करने आया था, जो सोच के आया था वही कर रहा हूँ.
I'm so happy. That's wonderful. तो गोपाल, सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आपको. आई होप कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ. तो क्या, आई यस जस्ट वॉन्ट एवरी वन, क्योंकि अभी हमारे सामने, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल, थोड़े ज्यादा व्यूअर्स आए, लिसनर्स आए. तो क्या हम आपकी फर्स्ट ही गणपति की कोई आरती सुन सकते हैं या कोई गाना सुन सकते हैं, सो दैट ओके आफ्टर, ताकि हमारा स्टार्टिंग ही अच्छा हो भगवान का नाम लेकर. यस थैंक्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यस परसों ही हमारा एक गणपति का गाना रिलीज हुआ है. द सॉन्ग नेम इज मोरिया विनायका, जो इसी स्टूडियो में बना हुआ है. ऑफ कोर्स वो मैंने नॉट कंपोज बाय मी, मैंने उसको कंपोज नहीं किया है. मेरा दोस्त अंकुश, जो IFP के हम साथ में ही काम करते हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट साथ में ही करते हैं, तो अंकुश ने फर्स्ट टाइम कंपोजिशन ट्राई किया था और वो गुरु ठाकुर जी ने गाया है और शंकर महादेव, सॉरी गुरु ठाकुर जी ने लिखा हुआ है. आई एम सो सॉरी, शायद ये थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा प्रेशर में आ गया बिकॉज वीडियो से कनेक्ट नहीं हो रहा था. तो गुरु ठाकुर जी ने लिखा हुआ है और शंकर महादेव जी ने गाया हुआ है. सो यस, इन दोनों की वजह से वो गाना और ग्रैंड हो गया है और टाइम्स म्यूजिक के थ्रू ये रिलीज हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्लीज वो गाना देखो और प्रेज अस. लाइक अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो प्लीज डू शेयर. एंड यस, सो लेट्स बिगिन ऑन विद द गणपति सॉन्ग. मैं उसकी 3-4 लाइन स्टार्ट गाता हूँ. प्लीज ये क्या आप सुन पा रहे हो क्लियर? धूम्रवर्ण विगटमेव चिन्मय सुखदायका, धूम्रवर्ण विकटमेव चिन्मय सुखदायका, विलय करी विपदांसा मोरया विनायका. धूम्रवर्ण विकटमेव चिन्मय सुखदायका, विलय करी विपदांसा मोरया विनायका, मोरया विनायका, मोरया विनायका, मोरया विनायका, मोरया विनायका, गणपति बाप्पा मोरिया. मोरिया. यस, वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. ये गाने का नाम है. मोरिया विनायका. ओके, तो ये YouTube पर है और हम इसे देखेंगे फॉर श्योर. एंड थैंक यू यस सो मच. यस हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत ही प्यारा गाते हैं आप. ऐसे कैसे हो जाता है, मतलब इंस्टेंटली, हाउ कैन यू सिंग सो वेल? अगर मुझे किसी ने बोला चलो गाओ, तो मैं तो पूरा थर थप हो जाएगा. मैं, अरे रुको, थोड़ा सा गर्म पानी पी ले दो टाइप्स. यस यस एक्चुअली ये होता है कभी ना, मतलब हम किसी को अगर ऐसे बाथरूम में तो हम बिंदास गाते ना, क्योंकि पता है कोई सुनने वाला नहीं है. सो बट जैसे ही किसी को बोल देना कि अरे यार आप वो 2 लाइन, तो 1 मिनट है थोड़ा पानी, ये और होता अगर है. नॉर्मल सिंगर्स रहते, नॉर्मल लोग रहते, तो वो बोलते अरे आज ही मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, आज ही पूरे 365 दिन कुछ नहीं होता, आज ही आपने बोला और आज ही मेरी आवाज बैठ गई. एक्चुअली आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, तो कल हम बहुत नाचे. 3 घंटा नॉन स्टॉप मैंने डांस किया है. गणपति जब घर पे आए थे हमारे, तो मतलब आए हैं तो बहुत डांस किया है. और डांस के दौरान है म्यूजिक लाउड होता है, तो हम ये चलता है, थोड़ा जबरदस्ती आवाज निकालते हैं. सो ये मेरे साथ भी हुआ. और बट हाँ, मैं एक्सक्यूज मी बोल रहा हूँ, ये भी यस बोला मेरा आवाज आपने. अच्छा है, मेरा अच्छा, आवाज थैंक अच्छा गॉड. नहीं तो मैं बोलती, गोपाल आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई कांट से आई विल, आई विल नॉट बी लाइक है. अरे तुम्हारी आवाज बैठ गई, ये मैं बस सहन ही नहीं करती. ये मेरे गुरुजी जो है ना, पंडित संजय पत्की सर, इन्होंने यही सिखाया है. टेक्निक्स होती है, मतलब गला बैठा भी हो तो सुर है भाई, आवाज का टेक्सचर चेंज होगा. अगर सुर में गाओगे तो वो भी अच्छा लगेगा. वाओ, यस मैं भी नेक्स्ट टाइम से यस कोई भी अगर मुझे बोलेगा ये, तो आई एम गोना से दिस, सुर तो सुर है भाई, आवाज का टेक्सचर बदल जाएगा, आप बैठे हुए आवाज में भी गाना पड़ेगा आप बिल्कुल, लोग. गाना ओके, तो गाना है. यस तो गोपाल मुझे बताओ कि आई नो कि तुम्हारे फैमिली में से कोई भी सिंगर नहीं है. यूजुअली कैसा होता है, सिंगर का बेटा सिंगर, दादा परदादा, पर तुम्हारे ऐसे ही घर में से होता कोई सिंगर नहीं है, तो हाउ डिड यू लैंड अप इनटू सिंगिंग, आप कैसे आ गए? है. यस, मेरे मेरे पूरी फैमिली में, पूरी खानदान में कोई भी नहीं गाता है एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे गाता था. हाँ, बट मैं जब स्कूल में था, 6-7, जैसे आपने कहा 6-7 स्टैंडर्ड में था,
तो तब ना हम मेरा एक दोस्त है अक्षय पाटिल, जो ना भजन बहुत बहुत प्यारा गाता है, बहुत प्यारा गाता है मतलब। तो वो गाता था जैसे ही, और मैं फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड की मेरी मार्कशीट पे है अभी हंसी आती है सोचता हूँ तो। फोर्थ स्टैंडर्ड की मार्कशीट पे ना मराठी में लिखा था कि तुमच्या पाल्याला पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कि भाई ये चार्ज भी नहीं है, जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती भाई डाल दो अभी दया करके तो। डाल रहे हैं। हाँ लेकिन फिफ्थ से थोड़ा मैं पता नहीं थोड़ा सिंसियर हो गया शायद, तो फिफ्थ से थोड़ा मेरा ग्राफ ना तो बढ़ता बढ़ता गया। तो बढ़िया। सिक्स सेवन में आई वॉज मॉनिटर ऑफ द क्लास है ना कि यस। तो वो एक था। तो ऑफ पीरियड जब भी होता था तो टीचर्स बोलते थे कि अक्षय चलो, टीचर कोई एबसेंट है, एबसेंट है अक्षय चलो गाओ। और अक्षय वॉज लाइक एकदम रेडी, एकदम रेडी। वो भजन वगैरह घर पे भी उसके होता होता था, होता होगा अभी भी, यस आई होप। और वो काफी अच्छा गाता था। तो पता नहीं उसने कोई भी गाना गाया ना एक बार, द होल सॉन्ग उसने गाया और मेरा दिमाग में वो फिक्स विद द लिरिक्स विद द ट्यून एकदम रट जाता था एवरीथिंग और मैं गुनगुनाते रहता था। तो मेरे जो साथ में बैठने वाले दोस्त थे तो वो नोटिस करते थे कि मैं ना गुनगुनाता हूँ गाने, गुनगुनाता हूँ गाने। तो ऐसे ही वो हुआ, एक दिन अक्षय नहीं आया और किसी ने एकदम सर को ना पिन कर दिया कि सर गोपाल अच्छा गाता है, गोपाल अच्छा गाता है। तो सर अच्छा ठाकरे तू गाता है, मेरे को बताया नहीं, आ जा। तो मैं ओह आया और सर बोले चल सुना क्या सुनाता है क्या गाता है। तो मैंने कहा सर जी अक्षय गा तो तेज मी थोड़ा ऐको। तो मैं ऐसा हाँ गा नहीं, डर डर के मैंने गाया। तो फिर सबने काफी अप्रिशिएट किया। तो अप्रिशिएट करने के बाद भाई अरे भाई आता है हम अरे भी कॉलर गाते हैं। तो हाँ दैट वॉज द टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम गाना एज अ मतलब थोड़ा कि हाँ भाई सिंगर करके किसी ने अप्रिशिएट किया कि यार ये अच्छा गाता है, इसकी आवाज अच्छी है, टाइम। तब वो सामने आया। और तब से मैं फिर हर ऑफ पीरियड में अक्षय के साथ मैं भी खड़ा, हम दोनों का जोड़ी बन गया कि अक्षय और गोपाल चलो आ जाओ। फिर पूरे स्कूल में कोई भी फंक्शन है, इवेंट है, और समझो हमारे जो गेस्ट होते हैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो होते हैं वो उनको लेट हो गया आने में, तो मंच पे आना होगा गोपाल अक्षय भैया आ जाओ। तो अक्षय मंच यार तो तुम्हें इजी बहुत ही अप्रिशिएट करता होगा, बोलता होगा कहाँ से मैंने इसे सिखा दिया गाना, अब ये कहाँ चलेगा, मैं कहाँ ये सवाल रहेगा मुझे भी जाएगा। काफी बार आता है लेकिन फेस टू फेस मैंने कभी उसे पूछा नहीं अक्षय को। बट तो मुझे यस बताना आई लव वो यू कौन सा भजन था, अक्षय। लाइक व्हाट वाज दैट भजन जो आपको बड़ा आपको हिट हाँ किया मुझे लाइक। ना उसका जिसको हम ओवी बोलते हैं मराठी में, अपन ओवी म्हणतो त्याला, तर हाँ यस तो एक मैं सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये रबा साई बाबा, ये रबा साई बाबा, ओ व्या का हो कौ तू के तू, ये रबा साई बाबा, ये रबा साई बाबा, ये रबा साई बाबा, ओ व्या का हो कौ तू के तू, ये रबा साई बाबा, विठ्ठलाला तुळसा गणपतीला दुरवा, विठ्ठलाला तुळसा गणपतीला दुरवा, अन शंकराच्या पिंडीवर बेल शोभी गिरवा, शंकराच्या पिंडीवर बेल शोभी गिरवा, ये रबा साई बाबा तू, ये रबा साई बाबा, उभ्या गाऊ कौतुक के तू, ये रबा साई बाबा, ओ व्या गाऊ कौतुक के तू, ये रबा साई बाबा। सो ये एक अंतरा मैंने गाया। थैंक यू सो मच अक्षय वेरी फॉर एवरीथिंग। वेरी यस यस, थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत ही सुंदर था यार गाना, बहुत इट वाज वेरी नाइस। मतलब आपको कहूँ ना हमारे जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो चीजें जो लोगों ने करके रखी है उनका, उसका कंपोजर कौन है पता नहीं, उसका लिरिसिस्ट मतलब कुछ गानों के तो संत ने महात्मा जी ने लिख लिखे हैं उनका नाम है, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसका लिरिसिस्ट कंपोजर पता ही नहीं है। तो वो लोग अगर आज होते तो पता नहीं वो कहाँ होते, मतलब अगर उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, थोड़ा सोशल मीडिया का सपोर्ट अगर मिल जाता तो वो तो आज मतलब कहाँ होते। यस आई थिंक गोपाल, मुझे लगता है कि यूजुअली
बहुत सारे हर आर्ट इज डिफिकल्ट, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट फॉर मी सिंगिंग इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर स्टेज पर जाके सिंग करना है इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है कि कब आपका सुर ऑफ हो रहा है और कब आप बेसुरे हो रहे हो, और लोगों को समझ आ जाता है, पीपल आर जस्ट पोलाइट कि आप नहीं बोलेंगे, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी टफ। तो वेरी वॉट वेरी इज टफ। योर, आप क्या करते हो एज इन, वॉट डू यू डू बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, स्टेज पर जाने से पहले आप क्या बोलते हो खुद को, कि या फिर कैसे, वॉट इज योर रिचुअल बिफोर गोइंग ऑन स्टेज? जय माता दी रॉक्स, ऐसे नहीं। हाँ, जो आपने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यस, क्यों सिंगिंग इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, वो ब्रास से हो या स्ट्रिंग का हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिससे आप अपने हाथों से ऑपरेट ना कर पाओ, है ना। आप याद करो, मतलब शायद मैं कुछ मिस करता होगा, आप सोचो, कुछ मुझे सिंथ बजाना है, मुझे फ्लूट बजानी है, फिर भी मेरे हाथों से ही मैं सुर को चेंज कर रहा हूँ, गला भी वैसे लगे, इतना ही गा सकता हूँ मैं इसे, यहाँ से सुर चेंज नहीं कर सकता, है ना, उसको ट्यून में मेलेडी में बांध नहीं सकता। तो वाई सिंगिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट, आई फील कि उसे हम हाथों से ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको ना दिमाग में पहले सुर सेट करना पड़ता है। दिमाग में आप सुर सेट करते हो, वहां से यहाँ पे कमांड देते हो, इसको ट्रेन करते हो, यहाँ के मसल को, जिसे मसल मेमोरी हम कहते हैं, तो मसल मेमोरी में ये सारे सुर सेव होते हैं, इसको फीड करना पड़ता है, और ये शायद ये टेक इयर्स, मतलब ये साल लेते हैं काफी। तो उसके इसीलिए संगीत जो सिंगिंग है वो साधना वाली भी चीज होती है। यस, और मतलब पहले यहाँ पे सेट करो, यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी सेट करो सुरों की, फिर यहाँ से यहाँ पे, और ये तो नॉर्मल सिंगिंग हुई। फिर अभी कहते हैं ना लोग, यार मजा नहीं आ रहा है, ये सुर में भी गा रहा है, ताल में भी गा रहा है, लय में भी गा रहा है, सब तो खैर मजा क्यों नहीं आ रहा है, तो बिकॉज फिर यहाँ यहाँ और यहाँ, सो ये सबका जो कनेक्शन है, इसीलिए वो डिफिकल्ट। आप जैसे सबको सुपर लगता है, मुझे भी डिफिकल्ट। लगता है, मैं तो अभी तो अभी अभी तो थोड़ा बहुत गाना समझ में आने लगा है ना, अभी अभी तो शुरुआत है, मतलब 1-5% वी कैन से दैट। यस नहीं, शुरुआत हो गई, काफी टाइम हो गया अभी गोपाल, आप बहुत आगे चले गए हो अभी, डोंट बी सो हम्बल एंड ऑल। ठीक है, सो गोपाल टेल मी ओके कि यू वन द ओके 50 आवर म्यूजिक मेकिंग चैलेंज जो इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट का है, तो उसका मुझे तो यस पहले बताओ कि हाउ वाज इट, एंड यू नो वो सॉन्ग हमें जानना है कि वो सॉन्ग कैसा था, एंड प्लीज सिंग इट फॉर अस बिकॉज एवरीबॉडी इज, आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैंने शायद ये सुना हुआ है डेफिनेटली। बट आई वांट टू लिसन टू इट अगेन, तो मुझे थोड़ा सा इन संक्षिप्त सबसे ज्यादा यहाँ जानकारी। पे एक्साइटेड कोई होगा ना, तो मेरे से ज्यादा कोई एक्साइटेड बंदा मैंने नहीं देखा है, मतलब मैं हर चीज में बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन मूड में होता हूँ। और यस, तो हाँ, 50 आवर चैलेंज, मुझे ये चीज बार बार कहने को बहुत मजा आता है। सो यस, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट करके एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ना हर साल ऐसे चैलेंजेस अरेंज करता है, टास्क अरेंज करता है, जो जो बिगिनर्स या जो भी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता अपनी आर्ट को शोकेस या ऑडियंस के सामने रखने के लिए, ये उनके लिए बना है, कि जो क्रिएटिव पीपल है ये उनके लिए है। सो इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट ऐसा ऐसी कम्युनिटी है जो हर साल 50 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज, वो अब तक करते थे, मतलब 50 घंटों में आपको फिल्म बनाना है, मतलब शॉर्ट फिल्म, डेफिनेटली वो फिल्म आपको 50 घंटे में बनाना है। तो ऐसा नहीं कि आप आपके मन का बना लो, 50 आवर चैलेंज बहुत टफ चीज है। तो 2019 तक वो फिल्म मेकिंग चैलेंज बनाते थे, और 2020 में फर्स्ट ईयर उनका था कि जब उन्होंने सॉन्ग मेकिंग चैलेंज, 50 आवर म्यूजिक चैलेंज उन्होंने अनाउंस किया। और ऐसे ही फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो मेरा दोस्त है, जो हम साथ में काम करते हैं, अंकुश, उसने बोला कि यार गोपिया, ये देखिए फॉरवर्ड आया है, करते हैं क्या पार्टिसिपेट? मैंने बोला चल करते हैं यार, तेरे को पता है आईएफपी क्या है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना है, कुछ फेमस कुछ चीज है आईएफपी, मतलब कुछ है वो चैलेंजेस ऑर्गेनाइज। मैंने बोला मेरे को तो नहीं पता, चल करते हैं ना, देखते हैं। तो ऐसे ही हमने फॉर्म फिलअप किया, एकदम कैजुअल, हाँ बिल्कुल सीरियसनेस जीरो, जीरो के बराबर, और पार्टिसिपेट किया। और वो चैलेंज ऐसा था कि आपको 50 आवर के फर्स्ट मिनट को आपको टॉपिक मिलेगा, और हमारे सॉन्ग का टॉपिक था अ सॉन्ग अबाउट ग्रोइंग अप एंड हाउ थिंग्स चेंज। तो ये काफी ना वाह, मुझे लगता है ये टॉपिक है, ये शायद मतलब तन्वी आपके लिए, ये आपके लिए ये कुछ इसका मतलब कुछ अलग हो सकता है, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग होगा, जो 10 साल का बच्चा है उसका कुछ अलग होगा, और जो 80 ईयर्स के दादा नानी जो भी तो है उनके लिए ये टॉपिक
को देखने को उनका नजरिया कुछ अलग होगा। तो मुझे ऐसा कुछ गाना बनाना था जो यूनिवर्सल हो, वो हर किसी को ये करे। और अभी देखो ना, ये इसका मतलब सबके एक्सपीरियंसेस, लोगों ने सैड और ये काफी कंप्लेन और इसके मामले में बहुत ज्यादा होते हैं। और मतलब ये मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मतलब मैं हूँ, हमारा लिरिसिस्ट सचिन पाटिल जो अमरनेर में है, बहुत टैलेंटेड, बहुत गुणी, अच्छा बंदा है। जो कहते हैं ना कि हमारे साइड में, खानदेश में बहुत टैलेंट है, बहुत लोगों के पास टैलेंट है, बट उनको बस एक चाहिए प्लेटफॉर्म या कोई उनको उठा के यहाँ पे लाए। और सबका कॉमन प्रॉब्लम वही होता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन या पेरेंट्स। हमारे यहाँ पे उतना इसका अवेयरनेस नहीं है म्यूजिक फील्ड का, अभी नहीं है, कि सिक्योरिटी बोलता है ना सबको, भाई मेरा बेटा तू क्या करता है, गाना गाता है, गाना बजे तू क्या, वो तो शौक है भाई, उसमें क्या है, तू मतलब कमाएगा क्या है, पेट पाने का क्या है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है डेफिनेटली। मैं पेरेंट्स को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत सोचते हो, हर पेरेंट्स का यही सीन होता है, वो चाहते हैं, बट यही पे थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सबके साथ। तो सचिन का ऐसे नहीं हो, सचिन और मैं, सचिन से बहुत पहले से मेरी दोस्ती थी, गुरुकुल में आता था सचिन। और जब मेरे गुरुजी थोड़े लेट या कभी पहुंचते थे क्लास में, तो उनके आने तक ना बेसिक बैच में कंडक्ट करता था। और काफी सालों से वहां पे था गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने बोला कि हाँ गुरपे, ये 7-8 बच्चे ना बेसिक बैच तू ही संभाल ऐसे। तो उस अच्छा वक्त सचिन आता था, तो सचिन यूज टू कॉल मी सर 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 ऐसे। तो यस, तो 50 और चैलेंज की शुरुआत ऐसे ही हुई। टॉपिक मिला अ सॉन्ग अबाउट ग्रोइंग अप एंड हाउ थिंग्स चेंज, तो हमने काफी सोचा, टॉपिक समझा, 2-3 घंटे उसमें गए। फिर सचिन को कांटेक्ट किया, लिरिसिस्ट जो है, फिर मिलके ऐसे चालू हुआ। फिर सचिन को ग्रिप मिल गया, मैंने एक मुखड़ा थोड़ा रफ डिजाइन किया था कि एक टूटता हुआ तारा, द सॉन्ग नेम इज एक टूटता हुआ तारा। यस, तो एक टूटता हुआ तारा, मैंने रफ लाइन मुखड़ा डिजाइन किया था। फिर सचिन को बोला कि ये थीम है, ये फील है, मुझे ये चाहिए। तो बोला कि हाँ सर कर देंगे कर देंगे। तो मैंने बोला चलो करते हैं फिर। और साइमल्टेनियसली मैं हॉल में बैठा हूँ और मुझे ये बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि यस, और काफी बड़ा बड़ा लग रहा है कि यस, हमारा जो घर है अंधेरी में रेंट पे है, बट है, तो वो सी फेसिंग है, सी व्यू है उसको नाम के लिए, और काफी शांत जगह है, मतलब मजा ही आ जाता है, मॉडल टाउन। तो वहां पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट में मैं गिटार लेके बैठा हूँ, सोच रहा हूँ क्या बनाते आएगा क्या बनाते आएगा। वहां पे सचिन लिखना चालू है, और इधर अंकुश सोच रहा है कि मैं इस गाने को, जो भी गाना बनेगा, उसमें रिदम के लिए मैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ, जबकि हमारा कैटेगरी था फोक फ्यूजन लोक संगीत, उसको आपको मतलब कोलैब करना था उस कोई अलग जॉनर से, इट कुड बी रॉक पॉप कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। तो वो रफ मैंने सचिन को भेजा, सचिन ने उस पर काम चालू किया। और सीरियसली मैं बताता हूँ, ये 50 आवर हमारे लिए मतलब एक एक मिनट ऐसा था ना, सचिन जो है वो गांव में रहता है, अमलनेर से भी, उसके गांव का नाम सॉरी सचिन, तो वो थोड़ा 30-40 मिनट दूर रहता है, 30 किलोमीटर आई गेस से कुछ। तो ना उसको आदत है सुबह रात को 9-10 बजे सोने की, तो आप इमेजिन कीजिए वो बंदे को मैं 3 बजे तक जगा रहा हूँ, और वो ना मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है कि, और 3 बजे में वो ऐसे बोल रहा है, और जस्ट एक एक घंटा हम मैं बैठा हूँ, और हाँ सचिन हाँ लिख रहा है ना, एक एक घंटे ना इधर से कुछ बात हो रही है ना उधर से कुछ बात हो रही है, सचिन हाँ हाँ सर सर हाँ मैं कर रहा हूँ सर सर लिख रहा हूँ। और उसने फिर 3 बजे अराउंड उसने सरेंडर कर दिया कि सर प्लीज मुझे सोने दो, क्योंकि ना मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और मुझे मतलब गाय भैंस इन सबको ना नहलाने लेके जाना है, उसका जेन्युइन रीजन था, क्योंकि वो घर में वही वो करता था। और मैं ऐसा था कि मैं उसको ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकता, क्योंकि आर्टिस्ट का वही होता है ना, फ्रीडम उसको चाहिए, पीस चाहिए कि मुझे भाई मेरे हिसाब से करने दो। तो यस, दैट्स हाउ वो सॉन्ग फेयर। और उसमें ना आईएफपी ने और एक चीज उसमें ऐड की थी कि आपके लिरिक्स में एक ऐसे बुक का नाम आना चाहिए, फिक्शन नॉन फिक्शन कोई भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी चलेगा, बट वो नाम आपके लिरिक्स में मेंशन होना चाहिए। तो ये काफी टफ हो गया था, क्योंकि आप देखो ना, कोई अगर कोई बुक का नाम है सपोज तन्वी, तो तन्वी किसी किताब का नाम है, तो अभी तन्वी से रिलेटेड मुझे वो गाने में उस थॉट में कॉन्सेप्ट को भी जुड़ना चाहिए, और वो लाइन कैसे मैं हाँ, बनाऊं, है ना। तो दैट बहुत वाज द बुक साये में धूप, दुष्यंत कुमार जी, विक्रमराज मुश्किल दुष्यंत कुमार, है। यस ओ, तो बहुत अच्छा हुआ। यस हाँ। तो हाँ उसने कुछ
कुछ लोगों का सपोर्ट लेके, उसके गुरुजनों का सपोर्ट लेके वो किताब का नाम, और फिर पता नहीं ले लिया। सचिन ने फ्रेम की उसने कैसे डिजाइन किया, और कैसे तैसे हमने वो गाना कंप्लीट किया। सेकेंड डे भी बेचारे को कुछ उसका मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, फिर 30-40 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ा। फिर वहां पे जाके वो शॉप जो है जहाँ पे वो मैकेनिक रिपेयर कर रहा है, उसका लाइट चला गया, और हमारा एक ही दिन था, ऑलमोस्ट 10 आवर्स, कुछ 15 आवर्स बचे थे। हमारा सॉन्ग वैसे कहूँ ना तो 24 आवर्स में हम रेडी थे, बस एक लाइन के लिए ओ रुके। सो यस, वी वर वेरी फास्ट। तो ऐसे वो गाना बन गया, और एक दिन रिजल्ट लग गया और फोन आया कि हाँ गोपाल जी से बात हो रही है, आप ना टॉप 50 में सिलेक्ट हो गए हो। पहले वो बोली टॉप 3, तो मैं खुश हो गया। फिर बोली टॉप 50, मैंने बोला कुछ गड़बड़ है। तो यस, तो फिर शाम को रिजल्ट अनाउंस हुआ, और आई भी काफी बड़ी कम्युनिटी, और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि ऐसी कोई कम्युनिटी है जो सच्चे आर्टिस्ट क्रिएटिव पीपल के लिए कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर रही है कि आप यहाँ आओ, सच में अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आप जीत जाते हो तो। आईएफपी ने हमारे लिए क्या किया, तो आईएफपी ने हमारे लिए जो विनर्स है प्लेटिनम सॉन्ग ऑफ द ईयर जिनको अवार्ड मिला है फर्स्ट रैंकर, उनके लिए वीडियो प्रोड्यूस किया। तो हमारा वीडियो शूट हुआ और वो अभी अवेलेबल है, रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। एक टूटता हुआ तारा, प्लीज गो और वीडियो देखिए। और एक बात कि वो बहुत जल्द एमटीवी इंडिया पे भी रिलीज हो रहा है। सो यस, वाओ, वो हमारा फिल्म टेलीविजन पे डेब्यू होगा, फिल्म में भी आएगा बहुत जल्द। दैट इज सो नाइस। आई बहुत मजा आती है स्टोरी सुनने में, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो जीता है इसके पीछे इतना मेहनत है, और ये और इतनी जब चीज बननी होती है उसके पहले इतनी चीजें खराब होती है, मतलब हर चीज रॉन्ग होती है, बट जब वो बन जाती है तो लगता है शिट यार वी डिड इट्स डन और यस, सब मजा आ जाती है। इट्स डन, एंड आई एम सो यस हैप्पी कि आप जीत गए हो। सो टूट एक यस टूटता हुआ तारा, कैन वी प्लीज हियर इट? आई एम सुपर एक्साइटेड, इट्स अ लवली सॉन्ग, बट आई वांट एवरीबॉडी वाचिंग डेफिनेटली, हियर टू लिसन टू इट एज वेल। यस यस डेफिनेटली। ओके, आई स्टार्ट फ्रॉम अंतरा। हाँ जी, जमीन पे कभी कांच सा बिखर जाए, रात की सतह पे कभी धूप सा निखर आए, आंखों में सपनों का भंवर, आंखों में सपनों का भंवर घूम रहा डगर डगर, आंखों में सपनों का भंवर घूम रहा डगर 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 डगर, गोती खाता है टूटता हूँ तारा नजर आता है, बादलों के पीछे दिल मिलाता है, बादलों के पीछे दिल मिलाता है, चमकीले आसमां में अपनी चमक ढूंढे हैं, चमक 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 भूल जाता है, टूटता तारा नजर आता है। तुम्हारे जो सॉन्ग है अगर मैं आज सुनूंगी आई विल लाइक इट आफ्टर 10 ईयर्स ऑल्सो, बिकॉज वो वैसा है उसमें, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। आई एम सो थैंक हैप्पी। यू, एंड थैंक अक्षय यू पाटिल वेरी गुड जॉब फ्रॉम अमल ने, अंकुश वेरी गुड जॉब, और आपको भी वेरी वेरी गुड जॉब। अंकुश है यहाँ पे आजू सचिन। बाजू? सॉरी सॉरी, सचिन नहीं, वेरी गुड जॉब। अंकुश नहीं है यहाँ पे। यस, अंकुश है? वो हम नहीं तो है? पंकज ही ले गए। नहीं, ओ, मैं सोचू तुमको हाई बोल दूंगी। ओके, सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो मैं सबको बता दूं जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, 11,000 पार्टिसिपेंट्स या कंटेस्टेंट्स थे, तो उसमें से हमारे जो सर है वो जीते हैं इनकी टीम के साथ। सो इट्स अ बिग थिंग, इट इज अ बिग थिंग। और 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से हमारे जलगांव के सितारे, आई एम सो हैप्पी टू से दिस, क्योंकि जलगांव इट्स अ थैंक ब्यूटीफुल, या आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड। तो गुड जॉब यार, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सही है। यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी मुझे आप बताओ कि अभी आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ? अभी आई टेल यू कि आफ्टर आईएफपी काफी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए। आईएफपी ने काफी प्रमोट किया, लाइक रेड इंडिया, रेड रेडियो एफएम मिर्ची। काफी सारे यहाँ पे हमारे इंटरव्यू हुए और काफी सारे प्लेटफॉर्म खुद से हमें पूछ रहे थे। और हाँ, एक मेरा जो वो कहते हैं ना, लाइफ टाइम कुछ अगर आपको मोमेंट आपको याद रहता है, ऐसे वाला मेरे साथ हुआ। मैं भी ऐसे ही जलगांव से हूँ और मुझे भी मुंबई का बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। अभी भी 4 साढ़े 4 साल मुझे मुंबई में हुए हैं, बट सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा मुंबई का नहीं पता। मैं मेरी ही धुन में पहले भी था। इवन मैं कॉलेज में जब था, आफ्टर स्कूल कॉलेज में जब था, तो मैं कॉलेज का, मुझे पता नहीं मेरा क्लासरूम कौन सा है, मेरे क्लास टीचर क्या है, मुझे कोई कुछ नहीं पता। मेरे जो दोस्त थे अतुल, सागर, आशीष, इन्होंने ही सब, मतलब मेरा फॉर्म भरना है, अरे गोपाल किधर है यार, तेरा फॉर्म भरना है यार, एडमिशन का, ये क्या अच्छा करना है। इन्होंने बोला भाई प्लीज प्लीज कर देना, प्लीज प्लीज, मैं गुरुकुल में हूँ, मैं गुरुकुल में रहता था। मतलब जब से वो उतना मैं उसमें चला गया ना, इवन बोर्ड एग्जाम था 10th का, 12th का, 10th का आई गेस, तो पापा ने ना बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि तेरा साइकिल बंद कर दूंगा, तेरा क्लास बंद कर दूंगा, तेरे को जाने नहीं दूंगा क्लास। मैंने बोला पापा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो बट उन्होंने, मैं फीस ही नहीं दूंगा तेरी, मैं फीस ही नहीं दूंगा। तो मेरे गुरुजी को फोन करके भी उन्होंने बोला कि है ना, वो अगर आए ना आपके पास, उसको भगा दो क्लास से, उसका बोर्ड एग्जाम है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन इज वेरी काइंड, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो एग्जाम वगैरह सब हो गया, मैं वैसे ही जाते रहता, बोर्ड का एग्जाम, मतलब जिस दिन था एग्जाम उस दिन में मैं जाता था शाम को। एग्जाम के 1-2 महीने बाद उन्होंने मुझे बताया कि अरे गुप्पे, तेरे पापा ने फोन किया था एक बार, वो बोले बोर्ड का एग्जाम है, इसको आने मत दो। तो बोला अरे गुरुजी कुछ बोले नहीं ना, वो कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे, वो बहुत है ना, मतलब स्ट्रिक्ट है वो थोड़ा। तो अरे नहीं, फिर मैंने कहा कि सर फिर आपने मुझे क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं भगाया। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अरे यार, अगर तू इतना दूर, तेरा साइकिल बंद कर दिया, तू चल के अगर गुरुकुल में आ सकता है, तो मैं, मतलब मैं क्यों, मैं कौन हूँ मतलब तुझे रोकने वाला। अगर वो तेरी मंजिल तुझे बुला रही है, तू भाई कर। तेरा ये डेडिकेशन देख के मैं नहीं रो पाया, मैं कुछ बोल ओह नहीं माय पाया। सो गॉड, यस, दैट्स सर के वर्ड सो सही है। और वाओ. मैं अभी आईएफपी के बाद कुछ सिलेक्टेड काम्स आ रहे हैं, एक दोस्त के लिए, एक शॉर्ट फिल्म के लिए, एक अभी एक गाना किया है। उस शॉर्ट फिल्म को काफी जयपुर में और इंटरनेशनल लेवल पे भी 2 अवार्ड्स अभी यस मिले हैं। सिग्नेचर करके फिल्म, शॉर्ट फिल्म आ रही है, जो मेरा दोस्त है अंकित अग्रवाल, उन्होंने किया हुआ डायरेक्शन। सो हाँ, ये मैं काफी कुछ कर रहा हूँ। जस्ट आई फेब वैलेंटाइन, इस पे भी हमारा एक गाना रिलीज हुआ था 11 फेब को कुछ, और रोमांटिक प्यार हो सॉन्ग करके एक, यस प्यार हो करके गाना है, टी सीरीज प्लीज. का। हमारी हमारी बनी भौंक रही है, प्यार व्यार का नाम नहीं चलता इस घर में. किडिंग, ओके, तो मजाक कर रही हूँ. तो मुझे पता, वो गाना वही है जो तुमने सुनाया था घर पे, ये वही गाना है प्लीज? यस, ओह माय गॉड, ओके, ये वन ऑफ जो द भी बेस्ट था। और सॉन्ग्स है. यस हाँ, यस 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 आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. मैं और पापा ऐसे, आई मीन गोपाल का शक्ल ही, आई मीन वी वर जस्ट वॉचिंग हिम ऑल स्ट्रक. मतलब यार ये क्या बंदा है, ये आया और बैठ रहा है और आराम से गा रहा है और इतना अच्छा गा रहा है. सो कैन यू प्लीज सिंग द सॉन्ग जो कि वो मूवी का है और जो तुमने मेरे घर भी गाया, दोनों प्लीज. ओहो, सी, गिटार एंड ऑल. आपको ना प्लीज बोलने की गिटार एंड जरूरत ऑल आ नहीं गया है। आप यस, वो तो जरूरी है, इसके तो. बिना हम क्या। तो हाँ, मैं कह रहा था आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग कि मैं जो कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे यही आता है, क्योंकि इसको ही मैंने शायद सबसे ज्यादा टाइम दिया है। अगर मैं स्पोर्ट्स को टाइम देता हूँ, शायद उसमें कुछ करता होता। हर शाम तुम चौका और मिल जरा, अब हर गली बदनाम हम भी हो जरा, तू है वही मेरे सपनों में जो हूबहू, अब आ भी जा सपनों परे तो रूबरू। सिकंदर सर्दी खांसी ना मुझे, ऐसा वैसे कोई रोग ना मुझे, जो भी हुआ जैसे हुआ दिल को, अब मेरे उसकी वजह तेरा प्यार।
बातें मेरी क्यों तू जाने ना कैसे हारू दिए माने ना जब भी रोए दिल मेरा ये उसकी वजह तेरा प्यार हो This is the song named तो ये जो सॉन्ग ये तुमने लिखा है? Yes, ये गाना मैंने लिखा है। तो ये सब रियल लाइफ इंस्पिरेशन होती है कि बस इमेजिन? Is it inspired by real life events? मुझे पता था ये पूछोगे आप। और पूछूंगी। भाई प्यारा क्या रहा है पूछना पड़ता है। Benny is also excited to know now. See, मैंने ना वो रॉकस्टार बहुत बार देखा है। उसमें जो बोलते हैं ना वो जी समोसे खाते वक्त कि दिल टूटा है कभी? तो दिल टूटना है ना तब वो, बट हाँ वो डायलॉग सबको पता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं गिटार लेकर भी नहीं हुआ। आई होप आई थिंक गिटार लेने के बाद तो आज की लड़कियां वही। अरे भाई मेरा भी कुछ सुनो, मतलब जो भी है, यस आई एग्री, बट हाँ मतलब मैं थोड़ा सख्त था, मतलब कि भाई यार लेट मी फोकस, कुछ कहीं पहुंचना है यार, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, बहुत टाइम है ना, तो सही हाँ, लड़की मिलेगी तब ये नहीं बोलोगे आप? अरे यार तो हाँ ऐसा कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं है, बट देखो ना हर हर किसी को कोई ना कोई, कहीं किसी को स्कूल में हमारी फर्स्ट क्लास टीचर पसंद होती है, फर्स्ट क्रश होता है, तो वो भी तो प्यार ही होता है, बट साथ में नहीं है, बट यस हमने भी इमेजिन किया था कहीं। सुना ही है हर लड़के को उसी क्लास टीचर पसंद आती है, लाइक इट इज समथिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स। ओके लेट 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 मी आस्क यू समथिंग, क्या आप आपको ऐसे कोई टीचर या कोई ऐसे पसंद नहीं है कभी कॉलेज में? ऑफ कोर्स पसंद है, पर मैंने उनके ऊपर गाने नहीं लिखे। अरे लड़कों के इसमें अलग लेवल ऑफ इंपैक्ट पड़ जाता है कि वो पता नहीं क्या-क्या चीजें कर लेते हैं, बट गुड आई एम हैप्पी। यस हां तो यस इंस्पिरेशन यही क्लास टीचर क्या? सॉरी नहीं कुछ नहीं। ओके वी डोंट हैव कितना टाइम है हमारे पास? वी हैव 4 मिनट्स अभी। ओके उत्कर्ष वी हैव 4 मिनट्स मेरे पास नहीं, उत्कर्ष बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने उत्कर्ष बैठे हैं। आई एम सो सॉरी उत्कर्ष, नहीं हां कर बिकॉज़ ही इज सिटिंग राइट हियर। उत्कर्ष कैन यू वेव प्लीज कम हियर? नहीं आपको वेव करना पड़ेगा वरना उनको लगेगा कि मैं अभी तो करना ही पड़ेगा, अभी तो करना ही पड़ेगा। ओके उत्कर्ष इज सिटिंग राइट हियर, हाय। ओके सो गोपाल मैं को एक मतलब मैं थोड़ा सा गेम खेलती हूँ और उसके बाद में वी कैन एंड विद वन लास्ट सॉन्ग, ठीक है? लिटिल गेम विद यू। ओके सो आई एम गोना आस्क यू वर्ड, मैं वर्ड्स बोलूंगी, उसमें से आपका जो पहला गाना आता है आपको उसकी एक लाइन गानी है, या फिर आपको जितने गाने आते हैं उसकी एक एक लाइन बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल बोलूंगी, सो द गेम इज मैं एक वर्ड बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल दिल, ठीक है? तो दिल से आपको जितने गाने आ रहे हैं वो उसकी एक एक लाइन आपको गानी है, एक एक लाइन या बोलना है, व्हाटएवर योर थिंग। ओके हां दिल में दिल के दिल जिसमें आता है वर्ड जो लाइन या गाने में वो आपको बोलना है, ठीक है? जस्ट दैट इज द गेम। फाइन फाइन या ओके द वर्ड इज या ड्रम रोल प्लीज, द वर्ड इज बादल। ओ अरे मैंने अभी तो गाया, मेरा ही गाना है। ओके वो चलेगा या नो 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 वो नहीं चलेगा, ठीक है? मैं इजी वर्ड देती हूँ, मैं इजी वर्ड दे रही हूँ। ओके सो द वर्ड इज धड़कन। ओके ऐसे होता है ना जब भी कोई वर्ड पूछता पूरा कोई गाने याद नहीं आते। इतना इम्पोर्टेंट एक गाना का एक गाना धड़कन yes, एक धड़कन ना ओके लिरिक्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट मैं फर्स्ट टाइम मेरा अनरिलीज्ड वर्क यहाँ पे गा रहा हूँ। ये गाना मैंने कहीं पे गाया नहीं है और बहुत प्यारा गाना है। दस्तक किसने दी फिर से, धड़कन क्यों थम चुकी है फिर से,
दस्तक किसने दी है फिर से, धड़कन क्यों थम चुकी है फिर से, तू तो नहीं जो बह रही मेरी सांसों में फिर से, तू तो नहीं जिसके निशान दिल पर मिले फिर से, बीते ना ये ना बीते ना ये ना कि आपको आपका गाना इतना अच्छा लग रहा है, यू आर ओनली सो हैप्पी सिंगिंग इट कि हमें सुन के भी अच्छा लगता है। आई थिंक द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज कि आप जिस फीलिंग के साथ गाते हो वो बहुत ही प्योर है आई थिंक, और वो जो प्योरिटी आई वी कैन वी एज लिसनर्स कैन फील इट, और फिर बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू फॉर सिंगिंग इट फॉर अस, थैंक यू तन्वी। और नेक्स्ट ओके आई हैव टू राइट वन मोर वर्ड ओके, बिकॉज़ यहां पे बारिश हो रही है, तो वन वर्ड इज पानी, प्लीज वन लास्ट पानी ओके पानी पानी का कुछ चेंज हो सकता है कुछ पानी बारिश ओके बारिश बारिश ऐसा कौन होगा जो गेम ही चेंज कर रहा है कंटेस्टेंट के हिसाब से। अरे नहीं बाबा मैं ठीक है बारिश का और मतलब रिलेटेड वर्ड ले सकता हूँ ना। हाँ हाँ तुम अपने रूल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सावन सावन डन, बिकॉज़ यू सिंग वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग रूल्स एवरीथिंग। ओके आओगे जो तुम सजना, आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम सजना, अगना फूल खिलेंगे। Beautiful, thank you so much. It was lovely as usual. अगर तुम्हें म्यूजिक या खाने में चूज करना पड़े तो तुम क्या चूज करोगे? अरे यार ये आपका सवाल ही गलत है, मतलब गाना और खाना ये नाम साथ में लिया जाता है, यू नो मतलब म्यूजिक Yes, जैसे जैसे खाना मेरे जीने के लिए जरूरी है वैसे ही गाना मेरे जीने के लिए जरूरी है। हाय 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 वाह आ गया जवाब, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड गोपाल, यू आर वेरी गुड ओके सुपर, थैंक यू सो मच ओके। यू आर नॉट हियर बट आई थिंक वी वांट टू गिव यू अ गिफ्ट फॉर बीइंग हियर, तो हमारे जो पार्टनर्स है नवरंग चाय और पारस पापड़, तो हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। अभी अंधेरी तो ला नहीं सकते, तो हम जलगांव में आपके पेरेंट्स को पहुंचा देंगे। यस यस प्लीज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आपकी फ्रेम भी है जो कि हम आपको पहुंचाएंगे, और मल्हार की तरफ से एक फ्रेम है, मल्हार ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, मल्हार कम्युनिकेशन की तरफ से आपको एक फ्रेम है जो की हम आपके घर पहुंचा देंगे, और वो वहां होपफुली आपकी तरफ पहुंच जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, से हाय टू अंकुश एंड सचिन फॉर मी, और हमारी थैंक यू, एंड हमारे जितने भी लिसनर्स और वॉचर्स और जो देख रहे हैं, बता दें कि जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, जो नेक्स्ट कंपटीशन है उसका नाम है
श्री अथर्व शीर्ष पठन पर्धा। मेरे लिए मराठी बोलना थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं वापस बोलूंगी। गणेश उत्सव वनिमित्त आयोजित श्री अथर्व शीर्ष पठन स्पर्धा, इसका मतलब क्या है? अथर्व शीर्ष की एक कॉम्पिटिशन होने वाली है जिसमें बच्चों को अपने वीडियोस भेजने अपने ग्रुप पर और गणपति बनाते हैं। नहीं, अथर्व शीर्ष का पठन करते हैं। अच्छा, तो अथर्व शीर्ष का वीडियो मतलब वो जो बोल रहे हैं बच्चों ने उनका वीडियो निकाल कर अपने हमारे ग्रुप पर सेंड करना है, हम उसे प्राइज देने वाले। प्राइज देने वाले आरसी बाफना, आरसी तरफ आरसी बाफना की ओर से बहुत ही अच्छा प्राइज है। मुझे भी बोल रहे थे मैं भी पार्टिसिपेट कर दूंगी। एनीवे, तो अथर्व शीर्ष जो बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इसका वीडियो बनाए और हमारे ग्रुप पर सेंड करें। ऑल ग्रुप ऑफ किड्स एंड ऑल ग्रुप ऑफ एवरीवन, सो इट्स अच्छा, इट्स नॉट फॉर किड्स, सबके लिए है। ओके, सुपर। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं, जल्दी ग्रुप पे भेजिए। तुरंत ही, तुरंत तो नहीं कर पाएंगे आप, एक दो दिन में भेज सकते हैं। कब है इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन? 15 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। और इसका प्राइस है वो मुझे नहीं पता है, आरसी बाफना की तरफ से बहुत ही सही प्राइस होगा बिकॉज दे ऑलवेज गिव द बेस्ट प्राइस। सो थैंक यू आरसी बाफना फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू मल्हार कम्युनिकेशंस फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक, आई लव इट। थैंक यू उत्कर्ष फॉर बीइंग हियर। उत्कर्ष प्लीज गो फ्रॉम नो मैन नो, अभी उत्कर्ष से मिलना है मुझे, मैं आने वाला हूं। क्यों भाई उत्कर्ष प्लीज गो, मैंने क्या बिगाड़ा है? सारा क्रेडिट उत्कर्ष के लिए जा रहा है। थैंक यू गोपाल फॉर बीइंग हियर। गोपाल आई एम गोना आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए एक और गिफ्ट भेजूंगी जो आपके घर पर होगा, जिसमें मेरे घर होगा। आई एम गोइंग टू पुट अ फ्रेम, गोपाल इज नॉट उत्कर्ष, दिस इज गोइंग टू बी द टाइटल फ्रेम इन माय हाउस। उत्कर्ष इज जस्ट क्राइंग इन द बैकग्राउंड, वो बोल रहे तन्वी क्यों मुझे एम्बैरेस कर रही हो तुम इतना, बट थैंक यू गोपाल फॉर बीइंग हियर, इट वॉज लवली एंड आई एम सो सॉरी इफ आई एम्बैरेस्ड यू, बट आई डू दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल, सो डोंट माइंड। Okay, thank you so much, it was lovely. Yes, same here, thank you so much. Bolna because main bole ja rahi, do you want to say something? Thankful for everything. Yes, thank you so much Malhar Communication for B2B2 page. Thank you Nupur and thank you Anand sir. Oh yes, Nupur say hi. अभी नूपुर, नूपुर थैंक यू नूपुर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू नूपुर हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस, सो नूपुर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ कांस्टेंट, थैंक यू नूपुर, थैंक यू नूपुर। या विद दिस थैंक यू सो मच, आप हॉबी डूबी डू को ऐसे फॉलो करते रहिए और हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द होगा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सजेशन है फॉर अस टू गेट सम आर्टिस्ट लाइव ऑन दिस पेज, प्लीज टेल अस ऑन द कमेंट सेक्शन हियर और इन आवर डीएम्स एंड वी वुड बी लवली, वी वुड बी सो ग्रेटफुल टू हैव देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, वाज लवली लवली लवली, बाय 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 गोपाल, बाय।